हाय फ्रेंड्स, स्वाद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी रितु और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं व्रत में बनने वाले एक बहुत ही तीखे और चटपटे धनिया आलू। हाँ जी, जिसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। और मीठे में लेकर आई हूं आपके लिए शकरकंद का हलवा। व्रत में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम वही पूड़ी, साबूदाना वड़ा, वही साबूदाने की खिचड़ी खा खा के बोर हो जाते हैं और हमारा दिल करता है कि कुछ ऐसा मिल जाए खाने को जो झटपट से बन जाए और खाने में भी बहुत तीखा और चटपटा हो। तो उसी के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरी धनिया के चटपटे आलू। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले जिसने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ बॉयल आलू जिनको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, और अब इनके लिए हम तैयार करेंगे एक हरी धनिया की चटनी, जिसके लिए हरी धनिया, हरी मिर्च और नींबू लिया है मैंने। इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे। उसमें मैंने डाला है नींबू और साथ में मैंने डाला है व्रत वाला सेंधा नमक। इसको हम चटनी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया चटनी बन के तैयारी हुई है। कलर देखिए फ्रेंड्स आप कितना ग्रीन आया है इसका। अब हम इसको अपने कटे हुए आलू में मिक्स करेंगे। चटनी हम उतनी डालेंगे जितनी हमारे आलूओं में अच्छी तरह से लिपट जाए। हम अपने आलू की क्वांटिटी के अनुसार देख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से 2 से 3 चम्मच घर का जमा हुआ फिटा हुआ ताज़ा दही। साथ में हम डालेंगे एक टैंगी फ्लेवर के लिए नींबू का रस, और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इनको टेस्ट करके देख लें, आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और डाल लें। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं। अगर आपने आलू पहले से बॉईल किए हुए हैं ना तो इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी इसे खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे शकरकंदी का हलवा। यहाँ पर मैंने लिए शकरकंदी जिसको मैंने बॉयल कर लिया है, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी। इसमें देसी घी थोड़ा अच्छी तरह से डालिए तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब मैं इसमें डालूंगी कद्दूकस करे हुए स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, और इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मैं यहाँ पर इसको तेज आँच करके भून रही हूँ और थोड़ी थोड़ी देर में इसको मैं हिला रही हूँ, जिससे ये हिला हिला के कम से कम इसको बनने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल पिंक नहीं हो जाता। ये देखिए इसको हम लगातार चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको हिलाते रहिए। मैं इसको तेज आंच पे भून रही हूँ, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आंच को तेज रखिए और इसको लगातार चलाते हुए भूनिए। थोड़ी देर में ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। अभी इसने पूरा घी पी लिया है, लेकिन जब ये बन जाएगा ना बिल्कुल पिंक हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा घी ये छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल भून के रेडी हो गया है। जब ये बिल्कुल भुन जाएगा तब मैं यहाँ पर इस पर डाल रही हूँ आधी कटोरी से भी कम चीनी। मैंने आधा किलो शकरकंद ली थी क्योंकि शकरकंद खुद ही थोड़ी सी मीठी होती है, इसलिए चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। चीनी डाल के भी हम इसको थोड़ा भून लेंगे क्योंकि चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ देती है। अब मैंने इसको भून लिया है, चीनी भी अच्छी तरह मिल गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर डाली है किशमिश और थोड़े से बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों, काजू, पिस्ता, जो भी हैं आप उसे डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, कितना अच्छा ये भुन गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये खाने में इतना यमी लगता है ना कि आप अगर इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा इसे बार बार बनाएं। ये बहुत ही बढ़िया लगता है, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने यहाँ पर डाली है थोड़ी सी पिसी हुई इलायची। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये बन के बिल्कुल रेडी है। जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी इसको खा सकते हैं, एक बार ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बन भी जाता है। ऐसे 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए बन के तैयार है हमारे हरी धनिया के चटपटे तीखे आलू और शकरकंद का हलवा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।